लतवा न्यूज के स्टूडियो से नवीनतम अपडेट। रिकमन मोमिन ने 3 अक्टूबर को भाजपा राज्य कार्यालय शिलोंग में आयोजित एक औपचारिक समारोह के दौरान मेघालय भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के नए अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला। मीडिया कर्मियों को जानकारी देते हुए मोमिन ने बताया कि पार्टी मिलकर काम करना जारी रखेगी। मोमिन ने कहा, अपनी सभी कार्यकर्ता और सहयोग टीम वर्क की मदद से पार्टी को मजबूत करने के लिए तैयार है। अपनी अन्य प्राथमिकताओं के बारे में पूछे जाने पर मोमिन ने कहा कि फिलहाल उनका लक्ष्य पार्टी की देखभाल करना और उसका मार्गदर्शन करना है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा करते हुए मोमिन ने कहा कि जैसे ही केंद्र से आदेश आएगा पार्टी काम करना और रणनीति बनाना शुरू कर देगी। ये कहते हुए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न केंद्रीय योजना के माध्यम से देश के लिए बहुत कुछ किया है, मोमिन ने कहा कि उनका उद्देश्य लोगों को योजना के बारे में जागरूक करना और उन्हें जनता तक पहुंचाना होगा। So we are going to work together. My main object is to work together in the party, including the outgoing president who will be helping me. So I don't have much to say today, only that I'm ready to strengthen the party with the help of all my karyakartas and other members. Because with single individual, as you all know, it cannot make the party. So with the, it is only a, our party is only a, so with the teamwork only, we can work it out. So that's it from my side. I don't have any other things to take because I'm just taking over. So apart from strengthening the party, what will be your other priorities? Apart from strengthening the party, what will be your other priorities? No, right now my duty is to strengthen the party. My job is to look after the party. Other than that, what will I have? When this preparation for Lok Sabha will start? Latwa News ke studio se Navintam update.